मित्रों जय श्री राम। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी नामक महाकाव्य की कुछ पंक्तियाँ, एक संदर्भ है जब पांडव अज्ञातवास से वापस आए तो श्री कृष्ण को पहले से आभास हुआ महाभारत के कारण होने वाले विध्वंस का, महाभारत के कारण होने वाली लोगों की मृत्यु का, महाभारत के भयंकर परिणाम का। तो श्री कृष्ण ने एक मैत्री समझौता दुर्योधन को कौरवों की सभा में देने का निर्णय किया कि भयंकर विध्वंस बचाने का कुछ प्रयास किया जाए और किसी भी तरीके से दुर्योधन को समझाया जाए और दुर्योधन कौरवों व पांडवों के बीच में जो युद्ध होना है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रोका जाए। दुर्योधन अपनी मैं में, अपने अहंकार में, अपने झूठे घमंड में पूरा लिप्त था और उसने ये सोचा कि ये श्री कृष्ण मात्र एक छोटा सा ग्वाला, तुच्छ सा व्यक्ति और जिसको राजनीति का कोई ज्ञान ही नहीं, वो मुझे समझाने या शांति दूत बनकर मुझे बताने यहाँ पे आया है। और उसने क्या गलती की, ये की कि उसने श्री कृष्ण को बांधने की, वहाँ पे शांति दूत को बांधने की कोशिश की। पहले तो यही सिद्धांतों का अनदेखा किया गया कि शांति दूत जो आपके राज्य में आया है उसको आप पकड़ने की या बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या हुआ कि वो जैसे ही उनको पकड़ने गए श्री कृष्ण को बांधने के लिए जंजीर लेकर, तो कुछ उस टाइप की पंक्तियां सामने आई जिसने मात्र थोड़ी सी पंक्तियों पूरे महाभारत का चरित्र चित्रण कर डाला, पूरे महाभारत का भविष्य बता डाला कि आगे जब ये महाभारत होगा तो ऐसा ऐसा होगा। कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। वर्षों तक वन में घूम घूम बांधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह पिलाने को, भयंकर विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, मैत्री का समझौता लाए। दो न्याय, श्री कृष्ण कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बांधा हो, तुम दे दो केवल पांच गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं चैन से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ पांच गांव पांडवों को दे दो, ये महाभारत का युद्ध रुक जाएगा और किसी भी तरीके से जो ये भयंकर विध्वंस होना है, जो अकाल मृत्यु होनी है, वो सब रुक जाएगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब श्री कृष्ण जैसे ही दुर्योधन बांधने के लिए श्री कृष्ण को जंजीर लेकर दौड़े, हरि ने भयंकर हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेराग मेरु पग मेरे हैं, दिखते जितने नक्षत्र निकल, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझ में पूरा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग असर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सुंद मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड दंड लोकपाल, जंजीर उठा और साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूगोल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बढ़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं मोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, जो मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल ना पहचाना। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय के मरण होगा, दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण धनुष से छूटेंगे, एक दिन तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े कमृदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। दोस्तों, इन कुछ पंक्तियों में श्री कृष्ण ने जितने भी सभा में व्यक्ति बैठे थे सबको पूरे महाभारत का प्रचंड विध्वंस का आभास करवा दिया। श्री कृष्ण ने यहाँ तक बता दिया कि शुरू कैसे हो, कैसे होगा महाभारत और इसका अंत क्या होगा। दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण धनुष से छूटेंगे, एक दिन तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। दोस्तों, जय श्री राम।